जरा सोचो, भविष्य में पृथ्वी को तबाही से बचाने के लिए साइंटिस्ट प्लान बनाएं कि हम पूरे ग्रह को ही किसी दूसरे सूरज के पास ले जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2061 में। सूरज बहुत तेजी से जल रहा है और जल्द ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी वजह से 100 साल के अंदर पूरी धरती का भी सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी को इस तबाही से बचाने के लिए सारे इंसानों ने अपनी आपसी लड़ाइयां खत्म कर दी और सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट यानी UEG का गठन किया। तब से UEG ने वांडरिंग अर्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें वो लोग धरती को एक नए सोलर सिस्टम में ले जाने वाले हैं। ये सोलर सिस्टम काफी दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए धरती को कम से कम 20 साल लगेंगे। वहां जाने के लिए पूरी धरती पर 12,000 अर्थ इंजन्स लगाए गए थे। ल्यू नाम का एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट धरती के नए रास्ते की निगरानी कर रहा था। काम खत्म करके ल्यू अपने नए मिशन के लिए